कांग्रेस मैनिफेस्टो से अलग है बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने कर दिए 20 बड़े वादे जो पलट सकते हैं हरियाणा का पूरा गेम। हरियाणा में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, पार्टी ने इसे संकल्प पत्र दिया नाम। इसमें हरियाणा की जनता से किए 20 वादे, जेपी नड्डा और सीएम सैनी रहे मौजूद। हरियाणा में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जेपी नड्डा ने रोहतक में जारी किया संकल्प पत्र, कहा अस्पतालों में होगा फ्री डायलिसिस। और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए वादे, किसानों के साथ साथ महिलाओं का भी ख्याल रखा गया। हरियाणा के हर अग्निवीर को परमानेंट जॉब, महिलाओं को 2100 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में कई बड़े वादे शामिल। हरियाणा में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, संकल्प पत्र पर मनोहर लाल का बयान, कहा युवाओं का रखा गया विशेष ध्यान। में हर चीज का उल्लेख किया गया है, खास करके युवाओं का जो प्रशिक्षण का विषय है, युवाओं को एक इंटरनेशनल लेवल की जो शिक्षा देने की बात है, उसके कारण से एक हमारे प्रदेश का और एक स्थान आगे बढ़ेगा वहाँ उनकी जो स्किलिंग। बीजेपी ने हरियाणा के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अग्निवीरों को नौकरी से लेकर छात्रवृत्ति समेत कई बड़े वादे शामिल। बीजेपी ने रोहतक में जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 वादे, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, हर जिलों में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी। हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा दूसरे दल भ्रामक वादे करते हैं। देश के लोगों के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ वादे तो किए हैं, परंतु उन वादों को घोषणा में ही रह गए, पूरा नहीं हुए हैं और लोग आज उनकी संकल्प पत्र पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा 2014 के मैनिफेस्टो के सारे 187 वादे पूरे किए, 2019 में 265 वादे किए थे वो भी हमने पूरे किए। आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वादे पूरे हो जाएंगे मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति। हरियाणा में बीजेपी के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी का तंज, संदीप पाठक बोले वादों को पूरा करने के लिए नियत और काबिलियत की जरूरत। इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली चुनावी रैली, हरियाणा में बढ़ाएंगे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश, जगाधरी में केजरीवाल करेंगे रोड शो। हरियाणा में बड़ा कांग्रेस का कुनबा, बीजेपी को लगा बड़ा सियासी झटका, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थमा हाथ। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और 7 गारंटियों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस। खड़गे साहब और तमाम शीर्ष नेतृत्व वहां बैठ के एक 7 गारंटीज, 7 वादे पक्के इरादे, यदि कांग्रेस सरकार बनती है हरियाणा में तो इन 7 गारंटीज को कांग्रेस। जजर में पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च, विभिन्न स्थानों पर की नाकेबंदी, 3 पैरामिलिट्री की फोर्स पहुंची, बैठकें लगातार जारी। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, एक हफ्ते पहले ही शुरू होगी धान की खरीद, लेकिन अभी भी मंडी में सबसे बड़ी बारदाने की समस्या। बन रही है, इस तरह बारिश की वजह से रुक रही है, लेकिन बारदाना ही नहीं मिल रहा है जिम्मेदार के माल को भरने के लिए। जब भी प्रॉपर्टी में कोई भी जिम्मेदार, कोई भी सेलर वाला जो है जिम्मेदार को बारदाना देने को तैयार नहीं है मार्केट में, सबसे बड़ी समस्या इस नंबर। 23 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद, मंडी सचिव ने कहा किसानों को दी जाएगी सभी सुविधाएं, छोटी मोटी कमी को भी ठीक करवा देंगे। अम्बाला में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक चालक ने बाइक को मारी टक्कर, ट्रक के नीचे आई बाइक पर बैठी महिला, मौके पर ही महिला की मौत।